हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू द क्लासेज टूडेज सेशन इज अबाउट स्टोरी राइटिंग टोटली बेस्ड ऑन स्टोरी राइटिंग आज का जो हमारा सेशन होगा वो स्टोरी एंड इमेजिनेशन पर बेस्ड होगा सो लेटेज बिगिन विद द सेशन पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई अन अकेडमी क्या है वट इज़ द प्लेटफॉर्म ऑल अबाउट वट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम मी मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ मेरे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इट विल हैव अ लिटल जस्ट अबाउट माई एक्सपीरियंस वो वॉट एवर आई हैव डन इन माई करियर वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं इट विल टेक हार्डली टू मिनट्स लेट स्टार्ट विद द क्लास, विद द सेशन विद द रिचुअल ओके सो दिस इज द क्लास विच इज टोटली बेस्ड ऑन समथिंग यू आर हैव इन योर माइंड टोटली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन ठीक है तो अभी पहले देख लेते हैं आपका यू पी पी एस सी और यू पी एस एस सी की इंग्लिश हम लेते हैं मेरा सेक्शन इज टेकिंग योर ग्रामर ऑफ इंग्लिश विच इज टोटली ऑफ यू पी एग्जाम्स ठीक है अब बात करते हैं मेरे बारे में दैट आई हैव डन व्हाट आई हैव आई हैव अकम्पलिश्ड इन माय करियर आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंड डन माय बीजेमसी फ्रॉम देयर बीएड एंड एनटीटी आल्सो सो अदर देन दैट आई हैवे good experience of teaching I can say because I have all, uh, about near about four years of experience in teaching in the sector of uh, secondary level also and at the competitive level also so when you are talking about uh, being an educator I think my reach towards uh, the uh, reach towards the learners who are willing to learn is more prominent and I like to teach in a new and different and creative ways चलो अब बात करते हैं अन अकेडमी की हाउ अन अकेडमी इज़ यूजफुल एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग द वाइड रेंज ऑफ लर्नर्स अराउंड द ग्लोब लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का एवरीबडी नोज दिस दैट इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इस समय अन अकेडमी एंड वॉट आई एम गोइंग टू टेक इज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई टेक इंग्लिश ऑफ यू पी पी एस सी एंड यू पी एस एस सी चलो अब आगे देख लेते हैं रजिस्टर कैसे कर रहे हैं हाउ टू गेट रजिस्टर्ड ऑन Your An Academy Learning App, it is very easy. You just have to go and टाइप अन अकेडमी लर्निंग एप ऑन योर गूगल प्ले स्टोर एंड जस्ट इंस्टॉल इट फ्रॉम योर गूगल प्ले स्टोर ठीक है उसके बाद आता है आपका सब्सक्रिप्शन पार्ट दैट वी हैव डेल्ट मेनी टाइम्स इन आर अदर सेशन सो आई एल जस्ट नॉट गेट इन टू इट ऊपर ऊपर का जस्ट समझा देंगे उसके बाद आप लोग अपने आप प्रीवियस सेशंस में जाके यू कैन वॉच इट हाउ टू सब्सक्राइब एंड वट प्लान्स यू शुड टेक ठीक है तो पहला सब्सक्रिप्शन पहला जो हमारा प्लान है दैट इज अबाउट फॉर वन मंथ एंड इट इट कॉस्ट अराउंड वन थाउजेंड फोर हंड्रेड विच इज़ अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग रियली गुड इन योर एजुकेशन लाइक अन अकेडमी सो फॉर द एक्सपीरियंस बेस यू कैन जस्ट स्टार्ट विद वन मंथ बट

उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू योर ऑल सिलेबस जितना भी सिलेबस आपका कंपटीशन में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है चाहे वो यूपी के एग्जाम्स आप पढ़ रहे हो चाहे वो आप इंडिया in, uh, का कोई भी एग्जाम बीट कर रहे हो ठीक है इफ़ यू आर गेटिंग द प्लान फॉर सेवन थाउजेंड इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल फॉर यू पीपल सो आई जस्ट इट्स माई रिकमेंडेशन गो फॉर ट्वेल्व मंथ्स रादर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन सिक्स और थ्री मंथ्स ठीक है अब बात करते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या काम है वे डू आई कम इन आई कम इन एज अ सपोर्टर एज योर वेल विशर एंड एज अ पर्सन परसन हू विल हेल्प यू इन गेटिंग सब्सक्रिप्शन ऑल्सो दैट मीन्स वेन यू आर सब्सक्राइबिंग विद माई कोड माई रेफरल कोड यूर गेटिंग टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट वेन यू पुट के टी वन जीरो इन योर सब्सक्रिप्शन प्लान ठीक है तो चाहे आप एक महीने का ले रहे हो चाहे आप बारह या चौबीस महीने का ले रहे हो अगर आपने कोड डाला है के टी वन जीरो आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है दैट इज़ फॉर टेन परसेंट डिस्काउंट इफ यू आर टेकिंग प्लान फॉर वन मंथ दैट मीन्स आपको एक हज़ार चार सौ पे दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट मिलने के बाद अगर आपका फी स्ट्रक्चर विल बी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज़ ओनली दैट मीन्स यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम मी एक तो पढ़ाई के पार्ट में तो मैं आती ही आती हूँ दूसरा आपके सब्सक्रिप्शन प्लान में भी आती हूँ जैसे इफ़ यू आर गेटिंग अ पार्ट जहाँ पे आपको दस परसेंट एडिशनल मेरे कोड को यूज करने से मिल रहा है तो आई जस्ट सजेस्ट यू पीपल गो फॉर इट डोंट वेस्ट एनी मनी यूजलेसली ठीक है अब बात करते हैं मैम आपको फॉलो कहाँ करना है तो ये मैम आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो बिकॉज यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज ऑन यूट्यूब प्लेलिस्ट है वहाँ यू कैन जस्ट गो एंड वॉच माई ओल्डर पुराने रिचुअल्स को आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में और अगर समझना है या जानना है कि भाई कैसे सब्सक्रिप्शन को और समझें या मोड ऑफ पेमेंट्स जानने हैं डिस्काउंट नहीं समझ में आया कैसे अवेल करना यू कैन जस्ट गो ऑन दिस लिंक एंड अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ठीक है अब बात करते हैं मुद्दे की जहाँ पर आता है कि भाई मैम आपको फॉलो कहाँ करें कहाँ पता चलेगा भाई कि से, सेशंस आपके होने वाले हैं या क्लासेस आप लेने वाली हैं लिंक्स कब शेयर करेंगी कैसे स्टार्ट करेंगे लाइव सेशंस कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे तो दिस इज द पार्ट वेयर यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे टेलीग्राम पे यू कैन फॉलो मी विच इज़ योर यूज़र आई डी आई हैव गिवन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इट क्लियरली दैट आई हैव गिवन यूजर आई डी इज एट द रेट अंड अकेडमी यू एन ए सी ए डी ई एम वाई के ई एस एच के आई टी ई डब्ल्यू आर आई ट्वेंटी सेवन दिस इज़ द यूज़र आई डी विच यू कैन फॉलो फॉलो एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ठीक स्टोरी राइटिंग तो फॉर स्टोरी राइटिंग बेसिक पॉइंट इज दैट योर इमेजिनेशन शुड बी वेरी वाइड एंड द प्रोसेस इन विच यू आर राइटिंग जब आप लिखना कर रहे हैं शुरू किसी भी स्टोरी को आप फ्रेम करना शुरू कर रहे हैं तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे स्टोरी लिखनी किसके ऊपर है ठीक है पेड़ बोला गया है तो पेड़ पे स्टोरी लिखनी है पत्ती पे नहीं लिखनी है ठीक है तो यू शुड नो द प्रॉपर पार्ट जहां पर आपको कॉन्सेप्ट की बात आती है जहां पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है कि भाई स्टोरी है किस बारे में या कोई आपको कह दे कि ये ये जस्ट है इसके बारे में एक स्टोरी लिख के लाओ वेन यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी देन ओनली यू कैन क्रैक इट ठीक अब बात करते हैं हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ना यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी और अ स्टोरी इज नॉट वेरी टफ बट गेटिंग दैट आइडिया इन टू योर माइंड

कैसे हमको कंडक्ट करना है स्टोरी को कैसे हमको फ्रेम आउट करना है कैसे हमको डायग्राम बनाना है उस स्टोरी का अपने माइंड में फर्स्ट रीड शॉर्ट स्टोरीज स्टार्ट रीडिंग द बुक्स स्टार्ट रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज फॉर राइटिंग एनी काइंड ऑफ स्टोरी योर माइंड सेट शुड बी वेरी वेरी इट ठीक है आप अगर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं न्यूज़ पेपर की आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आप उसी की तरह सोचेंगे उसी की तरह आपका पैटर्न बन जाएगा यू विल स्टार्ट राइटिंग story also into a article form so you need to have that concept clear ki bhai story likhne ke liye story sochne ka tarika bhi aana chahiye that concept in your mind will make it more easy to understand right ab baat karte hain aage ki कैसे लिखना है क्या पहले सबसे पहले कैसे follow करना है पहले तो मैंने बता दिया that start reading stories to write stories it is very important to start framing that stories according to you ठीक राइट योर स्टोरी इन अ सिंगल सेटिंग दैट मीन्स एक पैरा लिख के दूसरे पैरा का वेट मत करो फ्लो बनाने के लिए फ्लो बनता तभी है जब एक साथ पूरी स्टोरी लिखोगे ठीक है डोंट डू दैट कि जहाँ पे आप ये कर रहे हैं कि एक पैरा लिख लिया आज या एक पेज आज लिख लिया आ, अगला पेज कल लिखेंगे उसमें क्या होता है दैट योर फ्लो इज ब्रोकन आप जो लिख रहे हैं उससे आपका दिमाग हट जाएगा एंड देन नेक्स्ट डे यू विल हैविंग यू विल हैव अ डिफरेंट माइंड सेट एंड यू विल बी सिटिंग विद अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ योर माइंड ठीक है राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर स्टोरी इन अ शॉर्ट एज अ शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल जितना कम समय में लिख सकते हो उसको लिख के खत्म करो ठीक है दैट शुड नॉट टेक मच देन अ डे और यू कैन से मच देन हाफ ऑफ योर डे ठीक एंड इफ यू आर यू आर राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी ट्राई टू राइट इन अ सिंगल सेटिंग नहीं अब अगर बहुत लंबी स्टोरी है तो भाई पूरा दिन ले लो लेकिन अगर शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो तो एक सेटिंग मीन्स एक बार बैठो और पूरा लिख के खत्म कर दो ये कॉन्सेप्ट ये पैटर्न आप तभी बना पाओगे इन फ्रेम कर पाओगे वेन यू विल बी हैविंग दैट आइडिया एंड दैट हैबिट ऑफ राइटिंग ठीक है तो प्रैक्टिस डजन मीन ओनली रीडिंग बट इट इन्वॉल्व राइटिंग ऑल्सो सो वेन यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस ऑफ स्टोरी राइटिंग दैट मीन्स यू हैव टू इन्वॉल्व बोथ द पोर्शन दैट मीन्स राइटिंग एंड रीडिंग शुड बी देर इन योर प्रैक्टिस ठीक है ट्रस्ट यू कैन जस्ट डू वन थिंग दैट एवरी वन हेट्स राइटिंग अ बींग इंटरप्टिड ठीक है तो ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि अगर आप एक सिटिंग में या एक बार में नहीं लिख रहे हैं तो वो इंटरप्शन या वो जो इंटरप्शन in, बीच में होता है रिगार्डिंग सम पॉइंट्स जो आपके दिमाग में उस टाइम आ रहे होते हैं मे बी दे विल नॉट बी एबल टू यू आर नॉट एबल टू गेट दोज पॉइंट्स इन द इन अदर डे वेन यू आर राइटिंग द दैट स्टोरी ठीक है तो ये माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आप लिख रहे हैं तो पूरा फ्लो तभी आएगा जब एक बार में पूरी स्टोरी खत्म करोगे। एंड वेन यू आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरी इट मेक्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट ठीक है आप करते हैं बात ड्राफ्ट करने की ड्राफ्ट जैसे मैंने पहले बताया कि एक ड्राफ्ट जो पहला ड्राफ्ट लिखते हैं उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना चाहिए स्टोरी का ड्राफ्ट लिखना बिकॉज वेन यू आर राइटिंग योर ड्राफ्ट दैट मीन इट्स अ स्टोरी इट नीड्स फिनिशिंग पार्ट पॉलिशिंग पार्ट तो वो बाद में होता है बट ड्राफ्ट जो होता है उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करना जरूरी होता है वेन आर इम्प्रिंटिंग और कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं ठीक है Read your story through once without changing anything. That is what I told you initially. That story को लिखते time आपको ये पता होना चाहिए कि पहला जो draft आप लिख रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर स्टोरी शुड बी विदाउट इंटरप्शन विदाउट एनी स्टॉपेज यू शुड राइट दैट ड्राफ्ट मे बी टेक्स हाफ एन आवर और uh, hour, और एन आवर और हो सकता है पूरा दिन लग जाए बट वो पूरा दिन उसी चीज को लिखने में लगे ये ना हो कि आज से चार दिन बाद हम लिख रहे हैं एक ड्राफ्ट एक पेज का ड्राफ्ट है और आधा पन्ना आधा पन्ना करके पूरा करें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ठीक है वेन योर माइंड इज क्लियर कि यहाँ पे भाई ड्राफ्ट लिखना है देन ड्राफ्ट शुड बी रिटर्न इन अ सिंगल सेटिंग दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फॉरवर्ड मतलब आप अगर एक बार ड्राफ्ट लिख लिया एक बार आपके सामने डायग्राम आ गया आंखों के सामने कि भाई ये पैटर्न ये चीज़ पे हमको स्टोरी पूरी अपनी कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा टू गेट मोर आइडियाज अबाउट वट यू आर राइटिंग इन साइड द स्टोरी वट विल बी द बॉडी ऑफ द स्टोरी यू विल बी क्लियर विद दैट आइडिया ठीक है अब बात करते हैं राइट अ प्रमिसिज राइट दिस इज़ वॉट आई वॉज गोइंग टू टेल दैट स्टोरी की बॉडी का हिस्सा या बॉडी का जो पार्ट होगा उसको आप प्रोमिस बोल रहे हो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट विल बी द बॉडी स्ट्रक्चर यू कैन से इंट्रोडक्शन और यू कैन से गोल और यू कैन से एक होता है आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होगा वो आपके ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हम क्या लिख सकते हैं उसके अंदर आफ्टर रीडिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट यू Uh, draft. Get your head around the main idea. Now you are you have written. When you have written first draft, एक आइडिया आपको समझ में आ एक आइडिया मिल गया कि भाई मुझे मेरी स्टोरी जो है इस पॉइंट पे लिखनी है ठीक है लाइक इफ़ इफ़ आई से दैट बहुत सिंपल सा example लेते हैं यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन योर फैमिली ठीक है बहुत बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरल टॉपिक है बच्चों का टॉपिक है आपको पता है कि आपके मेन आइडिया क्या है स्टोरी का दैट इज़ फैमिली ठीक है वॉट इज़ फैमिली यू हैव टू राइट अबाउट दैट अबाउट इन द स्टोरी ठीक है तो मेन आइडिया क्या हुआ कि आपको फैमिली की वैल्यूज़ एंड एथिक्स पर लिखना है क्या गोल होगा उसका कैरेक्टर डिफाइन करना अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को अपने आप के कैरेक्टर को अपनी फैमिली की सराउंडिंग के कैरेक्टर्स को एवरी थिंग यू हैव टू डिफाइन इन योर स्टोरी ठीक है अब उसमें से कुछ मेन आइडिया आपका निकल के आएगा कि आपको वैल्यू उसमें डालना क्या है किस चीज को आपको ज्यादा फोकस करना है किस चीज को आपको कम फोकस करना है दैट ऑल सिचुएशन दैट ऑल विल ओनली बी क्लियर व्हेन यू आर राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट बिना ड्राफ्ट आउट किए हुए या बिना डायग्राम फ्रेम आउट किए हुए आपको नहीं समझ में आएगा कि वेन यू वॉट यू हैव टू राइट ठीक है अब बात करते हैं राइट एडिट राइट एंड एडिट this is the basic part of your uh, story writing when you are writing something it takes lot of effort and it takes lot of work to get to the final plot ठीक है बहुत आसान नहीं होता है जिन लोगों को लगता है कि भाई एक बार में जो बुक बुक राइटर्स होते हैं या स्टोरी राइटर्स होते हैं दे आर ब्लेस्ड सब नहीं होते हैं ब्लेस्ड उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है दे हैव लॉट ऑफ ड्राफ्ट कमिंग आफ्टर द फर्स्ट वन ठीक है एक या दो ड्राफ्ट में स्टोरीज नहीं फाइनलाइज होती हैं यू नीड टू पॉलिश इट अ लॉट ठीक है वो कैसे होता है राइटिंग एडिटिंग राइटिंग एंड एडिटिंग देन राइटिंग एंडि एडिटिंग ठीक है गुड राइटिंग इज री राइटिंग अगैन यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ एक मैंशन है दैट वेन यू आर राइटिंग एंड इट इज सेट टू बी गुड ओनली वेन यू आर री राइटिंग इट दैट मीन्स उसको आप खुद अपनी गलती को जब करेक्ट करते हैं सही करते हैं तब आपकी राइटिंग एक महीने में सही मानी जाती है वैन यू राइट एंड यू अंडरस्टैंड यूर राइटिंग रॉन्ग एंड यू करेक्ट योर मिस्टेक्स गुड राइटिंग इज री राइटिंग यूज योर सेकेंड ड्राफ्ट टू फिल इन द प्लॉट Plot holes and cut out the extra extraneous nice scenes and characters you discovered when you are writing the first draft. Now in your first draft, एकदम rough हमारा draft होता है उसमें कुछ, इतनी चीजें नहीं क्लियर हो पाती कि भाई हमारा कौन सा मेन प्लॉट होगा कौन सा हमारा मिडिल प्लॉट होगा कौन सा last प्लॉट होगा कौन सा कैरेक्टर हमको रखना है कौन सा कैरेक्टर हमको हटाना है किस कैरेक्टर की कितनी डेप्थ होगी किस कैरेक्टर का कितना रोल होगा दैट इज क्लियर वेन यू आर कमिंग टू योर सेकेंड ड्राफ्ट ठीक है तो जब सेकेंड स्टेप पे आओगे सेकेंड ड्राफ्ट पे आओगे तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे इतना इतना लिखना है इसके बारे में ठीक देन आप अपने थर्ड ड्राफ्ट पे या थर्ड पोर्शन या थर्ड राइटिंग पे जब आओगे बिकॉज आई टोल्ड यू दैट राइटिंग एंड एडिटिंग बोथ आर द पार्ट ऑफ योर स्टोरी राइटिंग ठीक है लिखा पहला प्लॉट लिखा फिर आपने रीराइट किया किसमें अपने सेकेंड ड्राफ्ट में देन यू विल फ्रेम आउट द थर्ड ड्राफ्ट थर्ड ड्राफ्ट में यू विल बी पॉलिशिंग योर ग्रामर पॉलिशिंग योर वो कैबलेरी देन योर में भी हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे राइटर हों तो थर्ड ड्राफ्ट तक आते आते आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए देर इज अ चांस दैट यू विल बी नीडिंग फोर्थ ड्राफ्ट वेन यू आर राइटिंग बिकॉज All, all the, all the people, all the, all the uh, writers, they have their own pace. ठीक है, कोई पहले ही draft में complete कर लेता है, किसी को चार draft की जरूरत पड़ती है when they are writing any kind of story. But for the short stories, you can say that it, it takes hardly two or three drafts. ठीक है, बहुत ज़्यादा drafts की ज़रूरत नहीं पड़ती है and it gets completed by an third draft. ठीक, अब आती है बात submission की. Submit, real writer doesn't keep their writing all themselves they share it submit your story to the literary magazines. so you this is the very uh, common thing which should be done when you are a writer because uh, writers are uh, tends to be a very introvert okay so if you're a real writer you cannot uh, you cannot come out into a uh, be, being a celebrity but when you are writing something you need to publish it you need to put it out in front of the public to be read

मे बी यू आर अ राइटर और यू क्लोज राइटर देन इट्स देन इट इज़ अदर केस बट वैन यू राइटिंग फॉर सम वन और यू आर राइटिंग फॉर पब्लिक एज यू राइट इन योर एग्जाम्स ठीक है जैसे आप एग्ज़ाम्स में लिखते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में लिखते हैं इफ द इफ द टॉपिक कम्स राइट ऑन योर फैमिली और राइट ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू आर राइटिंग फॉर द एग्जाम इनर दैट मीन्स यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ होल्ड ऑन यूर राइटिंग स्किल्स वैन यू आर राइटिंग फॉर अदर्स रियल राइटर्स डोंट कीप देयर राइटिंग्स टू ऑल बाई मतलब ये है सिंपल सा अगर आप असली में राइटर हैं या असली में आपको लिखना पसंद है तो आप कोई भी चीज़ अपने तक नहीं रखेंगे अपने तक नहीं उसको रखेंगे वेन यू आर अ गुड राइटर बिकॉज वेन यू आर अ गुड राइटर यू नो दैट शेयरिंग योर राइटिंग्स विल हेल्प अदर्स एंड एनहानस योर राइटिंग ठीक है तो उससे दो पर्पज सॉल्व होते हैं ना कि एक आपकी राइटिंग को लोग जज करेंगे दैट दैट डजेंट मीन दैट यू दे विल बी जजिंग यू रॉन्ग बट दैट मीन्स दैट विल हेल्प यू इन योर राइटिंग फर्दर ठीक है सबमिट योर स्टोरीज टू द लिटरेरी मैगजीन्स यू कैन डू वट एवर सिचुएशन कम्स इन ये एक नॉर्मल टर्म में मैं बात कर रही हूँ अगर आप नॉर्मली स्टोरीज फ्रेम आउट कर रहे हैं स्टोरीज so, को लिख रहे हैं तब आप लिटरेरी मैगजीन्स या मैगजीन्स में या खुद भी पब्लिश कर सकते हैं देर इज नॉट अ बिग डील टू पब्लिश एनी शॉर्ट स्टोरी बुक बट द कॉमन कॉन्सेप्ट हेयर इज जो जस्ट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप रिजेक्शन को भूल कर अगर लिखना शुरू करेंगे वेन यू विल स्टार्ट राइटिंग फॉर योर इफ आई कैन से वैन यू आर राइटिंग फॉर योर एग्जाम्स जब आप सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं वैन यू आर सॉल्विंग योर डिस्क्रिप्टिव पेपर देन योर योर माइंड सेट इज रोमिंग अराउंड दैट हाउ विल द एग्जाम अन जज इट वेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट योर योर स्टोरी विल नेवर बी सक्सेसफुल बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट वॉट द रिजल्ट विल बी keep stop thinking stop thinking about that point and proceed further with your story it will always get well theek hai along aap ek point aur jod sakte hain isme ki agar aap लिख रहे हैं और अगर आप ये सोच के लिख रहे हैं भाई कि मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ एग्जाम के लिए लिखना है देन इट इज़ एस डिफरेंट टॉपिक बट इफ़ योर राइटिंग इन जनरल आप लिखने के लिए लिख रहे हैं तो आपका राइटिंग अपने आप ही एना होगा फॉर द लॉन्ग रन एक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके आने वाले टाइम में आपको राइटिंग में हेल्प करेगा ठीक है इट विल हेल्प योर राइटिंग योर प्रैक्टिस योर रिविजन योर वोकेबलरी योर इंग्लिश इन टोटल एवरी ठीक है इवन यू कैन शेयर इट विद योर ग्रुप्स दिस इज द वेरी कॉमन थिंग विच यू शुड डू वेन यूर राइटिंग पहले तो रिजेक्शन से नहीं डरना है और ये एक जो पॉइंट आता है कि पीपल क्या लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे कि अगर मैंने ये गलत कर दिया यहाँ ये लिख दिया यहाँ ग्रामर अगर गलत हो गई या ये दैट डजेंट मीन दैट यू आर अ रॉन्ग और यू आर यू आर नॉट अ गुड राइटर दैट मीन्स यू नीड यू नीड टू इम्प्रूव दैट्स इट ठीक है तो अपनी इंप्रूवमेंट आप अगर दूसरों से जज करवाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स से जज करवाना चाहते हैं इट्स वेल एंड गुड बिकॉज इफ यू हैव अ गुड कंपनी दैट विल नेवर हार्म यू टू अंडरस्टैंड वॉट आर योर मिस्टेक्स ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आइडियाज हैं जिनको आप अपने पर्सनल uh, राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं वेन यू आर राइटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ स्टोरी यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ आइडियाज इन टू योर स्टोरीज ठीक है फर्स्ट बैच ऑफ शॉर्ट आइडियाज़ आर द एनी काइंड ऑफ स्टोरी वेदर अलर और अमोरी मेमोरा ऑफ पर्सनल लाइफ ठीक है तो दीज आर द काइंड ऑफ जॉर्न विच आर रिटन मोस्टली बाई अ बाई अ सिंपल राइटर्स हु इम्प्लीमेंट शॉर्ट स्टोरीज ठीक है जो इम्प्लीमेंट करते हैं शॉर्ट स्टोरीज के आइडियाज़ को उनके ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं बिकॉज थ्रिलर एंड पर्सनल लाइफ कुछ एक ऐसी चीज होती है जहाँ आप क्रिएट ज्यादा कर सकते हो यू कैन जनरेट मोर एंड मोर स्टॉक हेयर आर द फ्यू बेस्ट आइडियाज गोइंग टू टेल यू दूडिया कैन इम्प्लीमेंट इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर राइटिंग ठीक है टेल द स्टोरी ऑफ अ स्कार वेर अ फिजिकल स्कार और इमोशनल वन दिस इज द वेरी वेरी कॉमन टॉपिक ऑफ टेन बिकॉज अगर आप कहीं पे भी एक आपकी स्टोरी में चोट और दर्द को uh, ला के रखते हो वन यू आर डिस्कबिंग एनी काइंड ऑफ इमोशनल पेन और योर फिजिकल पेन इट इज वेल एंटरटेन बाई ऑल रीडर्स यू कैन सेन देर इज एक हिंदी में अगर बोलें अगर कुछ मसाला मिलता है लोग को लोगों को तो वो टी वी पर तो देखते ही देखते हैं या मूवीज में तो देखते ही देखते हैं बल्कि पढ़ना भी पसंद करते हैं सो वेन यू आर राइटिंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर इमोशनल सर्कमस्टांसिस और इमोशनल पोजिशन इट विल ऑलवेज बी एंटरटेन एंड विल बी अ गुड सक्सेस एज अ स्टोरी ठीक है टू बी अ राइटर सेट स्टीफन किंग द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू इज द एबिलिटी टू रिमेंबर एवरी स्कार दैट मीन्स स्कार यहाँ किसको बोला जा रहा है दाग को दाग मतलब आपका जो एक uh, चोट लगने के बाद uh, उसका निशान रह जाता है उसकी बात हो रही है दैट कैन बी योर फिजिकल्स का विच यू गेट वेन यू वेन यू फॉल डाउन और यू आर हर्ट और यू कैन हैव अ इमोशनल स्कार विच इज गिवन बाई फैमिली और और द सराउंडिंग्स एंड द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ ठीक है तो कोई भी स्टोरी जो इस टॉपिक पे लिखी जाती है वो कभी भी फेल नहीं होती है कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है ठीक है अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डिस्कवर अ डेड बॉडी नाउ दिस इज़ वेरी थ्रिलर काइंड ऑफ टॉपिक वेन यू टेक दिस काइंड ऑफ टॉपिक ये चीज़ें बहुत पढ़ी जाती हैं एंड इट इंटरेस्ट अलॉट टू गुड राइटर्स आल्सो एंड टू द रीडर्स आल्सो बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पाई एंड थ्रिलर्स

ना यू इफ़ यू आर अ गुड राइटर देन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉनर कि भाई मुझे इस पे लिखना है या इस पर नहीं लिखना है शॉर्ट स्टोरीज मीन्स यू हैव टू राइट इन इन एनी काइंड ऑफ मोड आप किसी भी तरीके के आइडियाज uh, उठा सकते हैं एंड द बेस्ट आइडियाज विच विच आई हैव बीन अंडरस्टुड इन माई स्टडीज इज दैट डिस्कवरिंग दीज काइंड ऑफ आइडियाज़ वे द इमोशनल पैचज आर देयर एंड पैचज विच आर रिलेटेड टू डेथ ठीक है तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जिस पे आदमी इफ यू आर राइटिंग इफ एज अ राइटर यू आर राइटिंग देन यू विल श्योरली गेट अ सक्सेस गुड राइटर्स डोंट टर्न अवे फ्रॉम द डेथ डेथ व्हिच इज आफ्टर ऑल द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस ना यू आर क्लियरली डिस्क्राइबिंग दैट एक जो आपका सबसे बड़ा सच है दैट इज योर डेथ डेथ पे जो राइटर लिख रहा है और जो एक्सप्रेस कर ले रहा है इफ यू आर अ गुड राइटर स्टोरी राइटर देन यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंसेस योर पर्सनल स्कार्स और यू कैन से पर्सनल पैचेस एंड योर डेथ ठीक है टू फेजेस आर देयर विच आर इनसेपरेबल फर्स्ट वन इज योर पर्सनल लाइफ विच इज कनेक्टेड टू योर डेथ ठीक है ये दो चीजें आपको करनी आनी चाहिए दीज आर द टू टॉपिक्स विच आर कंसिडर्ड एट अ टॉप मोस्ट लेवल ऑफ योर राइटिंग अ यंग प्रोडोजी बिकम्स ऑर्फन दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट एन ऑर्फन पर्स ऑर्फन चाइल्ड यू कैन से हु हैज बीन ऑर्फन वेरी जस्ट यू कैन से जल्दी में जो बच्चे अनाथ हुए होते हैं या लोग अनाथ हुए होते हैं उनके बारे में अगर आप लिखते हो दैट केटर्स सम काइंड ऑफ सोसाइटी एक सोसाइटी का एक पार्ट होता है जिसको वो आपका जो पॉइंट है वो सपोर्ट करता है ठीक तीसरा आता है हमारा चौथा आता है हमारा मिडिल एज्ड वुमेन डिस्कवर्स अगोस्ट ना अगेन हेयर यहाँ पे जो है बात आप किसकी कर रहे हो गोस्ट की दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं थ्रिलर अटैच है आपके वुमेन वुमन पार्ट से वुमन पार्ट वेन यू आर टॉक सॉरी वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ मिडिल एज वुमन हू इज डिस्कवरिंग सम काइंड ऑफ गोस्ट दीज आइडियाज विल इन्हांस योर थिंकिंग दीज आर जस्ट इन आइडिया विच आई थॉट आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई यूर राइटिंग एनी काइंड ऑफ स्टोरी बिकॉज स्टोरी बेसिकली आपकी इमेजिनेशन से निकल के आएगी मे बी इट हैज सम पार्ट ऑफ यूर प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ से जुड़े कुछ हिस्से हो सकते हैं उसमें बट एट दी एंड इट इज फिक्शस फिक्शनस होती है चीज़ क्योंकि आप उसको बना रहे हैं वो रियलिटी में नहीं है ठीक है वैन यू क्रिएट समथिंग और यू क्रिएट एन स्टोरी दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट पार्ट और वहाँ पर अगर आपकी इमेजिनेशन क्या अच्छी नहीं है क्या ची नहीं है देन यू विल नेवर बी एबल टू राइट अ गुड एंड कमांडिंग स्टोरी A middle-aged woman discovers a ghost. Now, this is in itself very interesting to know that one a middle-aged woman discovers a ghost. What do Edda, uh, Ellen Poe, uh, Ro Ron Wesley, King Saul from the Bible, Odysseus, and Edwin uh, Sorji have in common? They have encountered ghosts. Now, here are some people mentioned from the Bible who have one thing in common: that is, they have encountered.

नाथ दिस दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर वेरी इमोशनल वेरी वेरी अटैचबल यहाँ पे लोग बहुत आसानी से जुड़ते हैं बहुत आसानी से अगर उनका मन नहीं भी होता है उनका दिल नहीं भी होता है भाई कि ये स्टोरी हम पढ़ें लेकिन वो उस उसपो आपको अगर स्टोरी लिखना आता है ऐसे टॉपिक्स पे तो वो आपकी स्टोरी को पूरा पढ़ के ही छोड़ेंगे भले ही वो स्टोरी आपकी उनको उसके बाद बहुत अच्छी ना लगे बट वन देयर रीडर्स को कैच uh, करना बहुत जरूरी होता है अगर आपका फर्स्ट पैरा या फर्स्ट लाइन डिप्रेसिंग है या बहुत अट्रैक्टिव नहीं है सॉरी <coughs> बहुत अट्रैक्टिव नहीं है देन योर रीडर्स विल never ever read the or come to the second line Theke, a woman who is deeply in love is crushed when her fiance fiance break up with him with her in la, in life every ending is just a beginning says Dukata ducata fanin uh, character in uptown girls now there there is a saying by some character in some kind of series or the serial which is quoted here that in in life every ending is just a new beginning दैट इज बींग कोटेड फॉर द वुमनशन हेयर दैट उसके फिंसे ने उससे ब्रेकअप कर लिया एंड शी वॉज डीपली इन लव हिम ठीक है तो ये सारी चीजें हैं आपकी यहाँ पे जो टॉपिक्स उठा रहे हो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और यू कैन से इमोशनल लाइफ एंड टू थ्रिलर और यू कैन से स्पायर ठीक है तो कुछ चीजें हैं जो आपके अटेंशन हमेशा गेन करेगी कुछ कैरेक्टर्स कुछ टॉपिक्स uh, uh, ऐसे होते हैं जो आपके हमेशा अटेंशन सीकिंग होते हैं ठीक है उन टॉपिक्स पे लिखने से आपके मार्क्स हमेशा इंक्रीज होंगे कभी भी कम नहीं होंगे एंड व्हेन यू आर एट दिस लेवल व्हेन यू आर एट द एंड एट द वर्ज ऑफ गिविंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन यू शुड नो व्हाट यू आर राइटिंग बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ योर सेकेंडरी लेवल दैट मीन्स योर स्कूल लेवल देन इट विल नेवर हेल्प यू आउट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना है कि जो हम दसवीं और बारहवीं की कक्षा में लिखते थे वो अलग पैटर्न था और अब जो हम कंपटीशन देने वाले हैं जो हम um, uh, uh, राष्ट्रीय या um, राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट स्टेट के लेवल पे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन एग्जाम्स में हमको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चीज़ों को लिखना है अ टैलेंटेड अदर अदर एग्जाम्पल इज अ टैलेंटेड यंग मैनस डीपेस्ट फियर इज होल्डिंग हिज लाइफ बैक your character character's biggest fear is your story's secret weapon don't run from it write about it now here is what is connected to your your uh, fear biggest fear that your character's biggest fear is your story's secret weapon

अगर बहुत ही स्पॉन्टेनियस स्टोरी है कि भाई एक लड़का मिला एक लड़की मिले उनकी फैमिली अग्री नहीं कर रही है शादी के लिए दे दे ट्राइड टू कन्विंस देम बट दे डिंट देन दे गॉट मैरिड दे रैन अवे ये सारी चीज़ें बहुत ही जस्ट एक होता है ना स्पॉन्टेनियस है डल है साउंड करती हैं बोलने पे भी डल साउंड कर रहा है क्योंकि ये होता आता है अब यहीं पे अगर आप कोई सीक्रेट वेपन डाल दोगे कि भाई हो सकता है लड़का उसमें से आ, लड़का डिच कर दे या शादी के मंडप पे लड़की भाग जाए या उसको कोई कोई दिक्कत हो तो शी रन अवे फ्रॉम द प्लेस एंड देन इट इज व्हाट योर रीडर विल बी कम हैविंग अ कम बैक इन टू योर स्टोरी दे विल नेवर लीव योर स्टोरी इन हाफ वे थ्रू ठीक है तो टैलेंटेड यंग यंग टैलेंटेड यंग मैन डीपेस्ट फियर इज़ होल्डिंग हिज फैम हिज फैमिली बैक ना ये टॉपिक जो उठाया है ये रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ राइटर के एक पैटर्न के राइटर के पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है राइटर किस तरीके की राइटिंग लिख रहा है या किस तरीके की उसकी स्टोरी है उस पर डिपेंड करता है ठीक है ये टैलेंट कुछ ही राइटर्स अपने स्टोरीज में या अपनी राइटिंग में डेवलप कर पाते हैं क्योंकि उनको ये हुनर लिखते लिखते आता है या ये ये कह लें कि ये एक्सपीरियंस होते होते चीजें होती हैं ठीक है मे बी सम ऑफ द राइटर्स आर इन बिल्ट बट मोस्ट ऑफ दैम दे आर दे डिवेलप दिस काइंड ऑफ राइटिंग अपूअर यंग मैन और गर्ल अपूअर यंग बॉय और गर्ल कम्स इन टू अ अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून न येयर इज द वेरी 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 कॉमन टॉपिक ए वेरी 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 लगाने का मतलब ये था कि ये सबसे बहुत ही एक्सपेक्टेड uh, एंड बहुत ही uh, एक तरीके से कह लें कि सुना हुआ पढ़ा हुआ लिखा हुआ टॉपिक है एक पुअर एक गरीब लड़का या गरीब लड़की अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून या अनएक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड किस्मत या पैसा कह लो आप पा जाते हैं अब वो डिपेंड दे, करता है दे दे आर स्ट्रगलिंग दे स्ट्रगल्ड एंड रीच एट दैट पॉइंट और एट दैट पीक और मे बी दे गॉट मैरिड और समवेयर इन इन बिटवीन दे हैव सम काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं कुछ हो सकता है उन्होंने कुछ अम, फॉर्च्यून दैट मीन्स यू कैन से लॉटरी का टिकट जीत लिया हो सकता है यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्टफ ठीक है लॉटरी का टिकट मेरा आइडिया है हो सकता है आपका कुछ और हो, हो सकता है आपकी स्टोरी में और कुछ फन लविंग चीजें हों तो ये डेवलप करने पर आती है कि भाई इंस्टेंटली वॉट यू विल थिंक एंड वॉट यू विल राइट राइट इन योर फर्स्ट ड्राफ्ट

इतना इतना सोचे एक प्लॉट बना लिया माइंड में एंड आई राइट स्टार्टेड डेवलपिंग दैट स्टोरी तो ये तरीका होना चाहिए आपका किसी भी स्टोरी को बनाने का इंस्टेंटली आपके दिमाग में पढ़ते ही टॉपिक आ जाना चाहिए भाई कि मुझे इस टॉपिक पे क्या लिखना है ठीक है <coughs> शाय यंग वुमन अनएक्सपेक्टेडली बर्म्स इंटू हर सोलमेट लिटरली बम्स इन टू हिम ठीक है लिटरली बम्स इन टू हिम मतलब लिटरली टकरा गई ठीक है इन मूवी इन इन फिल्म दिस इज कॉल्ड द मीट क्यूट हेयर इज द टर्म विच इज टर्मोलॉजी यू कैन से टर्म विच इज गिवन टू दिस काइंड ऑफ मीटिंग वे यू बम्प इंट टू योर सोलमेट बंप इं टू योर फ्यूचर हजबैंड वाइफ वे यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ टक्कर जो बोलते हैं ना मूवी में जैसे हीरोइन में टक्कर हो गई देन दे आर दे स्टार्टड डेटिंग ईच वन अनादर एंड देन दे गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग है फेरी टेल उस टाइप की स्टोरीज भी बहुत लाइक like की जाती हैं बहुत ज्यादा पढ़ी जाती हैं इफ इफ द राइटर इज यूजिंग सच काइंड ऑफ फैंसी फैंसी स्टफ, इट इज ऑलवेज बीन एंटरटेन ठीक है वेन द हीरो बम्स एंड टू द हीरोइन इन द हाफ वे नॉकिंग बुक्स टू द फ्लोर एंड फोर्सिंग दम इन टू कॉन्वर्जेशन दिस इज वेरी कॉमन वेरी वेरी पथेटिक टाइप ऑफ मूवी डायलॉग और मूवी प्लॉट विच यू कैन इमेजिन राइट नाउ एक लड़का एक लड़की से टकरा जाता है उसकी लड़की जो हिरोइन होती है उसकी बुक्स फ्लोर पे गिर जाती हैं है

लोग डेवलप करने लग गए हैं अपने माइंड में अ लॉन्ग जर्नी इज इज इन इंटरप्टेड बाय अ डिजास्टर हु हुजन बीन लॉन्गिंग टू गेट टू डेस्टिनेशन ओनली टू बी डिलेड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड दिस इज अ प्लॉट ऑफ ग्रेविटी द ऑडिसी द ऑडिसी एंड इवन द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग नाउ दिस इज कंपेयर्ड टू योर वेरी फेमस मूवीज ऑफ हॉलीवुड लाइक ग्रेविटी एंड द ऑडिशी your lord of the rings these are the most famous uh, movies you can say which are connected to something some long lasting journey which is which is damaged or you can say interrupted by the disaster if you people have watched this kind of movies gravity or Inter interstellar or audacity <coughs> these movies are fabulous you should go for it uh, इससे इमेजिनेशन तो बढ़ती बढ़ती है एंड यू स्टार्ट यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन प्लॉट्स रिलेटेड टू योर इमेजिनेशन ठीक है अपने इमेजिनेशन से जुड़ी आप खुद भी चीजें डेवलप करने लगोगे व्हेन यू विल स्टार्ट वाचिंग दिस काइंड ऑफ मूवीज ठीक है यंग कपल रन इनटू द पाथ ऑफ साइकोपैथ

Uh, gradually the um, actress uh, tried to understand that he is not a psychopath but he is also a human being inside the monster and uh, they started f fell, in, f fell in love and uh, things changed suddenly but when you are talking about hindi movie plot they have very kind very such kind of things where a uh, young couple hota hai and they fell into some some kind of path or some kind of bungalow you can say where the psychopath is

चाहे वो आपका थ्रिलर हो चाहे वो आपका हॉरर हो चाहे वो आपका इमोशनल हो सबसे अच्छा प्लॉट आपका यही होता है जहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती है वैन यू आर हैविंग प्लॉट वे विच इज़ रिलेटेड टू योर इमोशनल पैटर्न यू हैव मेनी थिंग्स टू डू बट नॉट मच टू एंटरटेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू हैव मच टू राइट अबाउट द कैरेक्टर्स वेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ साइकोपैथ और पुटिंग अ साइकोपैथ इन इन द पाथ ऑफ यंग कपल हू आर जस्ट यू न्यूली मैरिड उनके बीच में अगर आप साइकोपैथ का पोर्शन uh, रख दो इफ़ इफ आई एम इफ आई रिमेंबर वन मूवी विच वॉज Uh, way back uh, in years, I think 2000-2005 uh, around, ithi movie that was Road. Hai, road movie was Manoj Bajpayee, Antara Mali and your Vivek Oberoi were there. Vivek Oberoi and Antara, Antara Mali were uh, the couple and your uh, Manoj Bajpayee was psychopath. This movie was uh, generated on this topic only which I uh, remembered and I liked to implement. I Uh, मतलब आई पर्सनली फेल्ट टू कीप दिस स्टोरी और दिस प्लॉट इन टू द टॉपिक बिकॉज मुझे यह लगा कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक हो सकता है वेन यू आर राइटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल दैट डजेंट मीन कि आपको बच्चों वाली चीजों में ही लिखना है स्टोरी का प्लॉट कुछ भी हो सकता है अनटिल एंड अनलेस योर योर थाट्स आर इमेजिनेटिव योर कैरेक्टर्स आर गोइंग वेल ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हिंदी मूवी का दैट आई टोल्ड यू द नेम वॉज रोड उसमें तीनों कैरेक्टर्स का जो रोल था दैट वॉज वेरी कमेंडेबल एंड द रोल प्लेड बाय मनोज वाजपेयी विच वॉज साइकोपैथ ही प्लेड एंड डिड इट वेरी वेल तो ये टॉपिक जो है ये आपका वाइड स्कोरिंग uh, होता है वाइड रेंज होती है इसमें एक्सप्लोर करने की <coughs> अब यहाँ पे मैंने एक टॉपिक उठाया है विच इज रिलेटेड टू योर फ्रेंडशिप एंड फैमिली यहाँ पे ये यह टॉपिक जो डील करता है दैट इज टोटली रिवॉल्विंग अराउंड योर टू थिंग्स दैट आर फैमिली एंड फ्रेंडशिप ठीक है इसको मैं रीड आउट कर देती हूँ बिकॉज आई हैव पुट इन टू अ पॉइंटर्स यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स डाले हैं उसको आप पढ़ लोगे तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमको स्टोरी में अगर फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेटेड आ रही है तो हमको क्या डालना है वेन फोर्टीन ईयर्स ओल्ड ऑलि लर्न्स दैट ही इज द ओनली अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ हिस एट पर्सन फैमिली ही फील्स बिट्रेड एंड रन अवे फ्रॉम

उसको अडॉप्ट किया गया है तो ही रन अवे एंड वॉज रोमिंग अराउंड द रोड्स फॉर टू मंथ्स उसके पैसे खत्म हो गए थे दो महीने में लेकिन उसको कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हुई थी अपने बर्थ पेरेंट्स को जानने की डज ही डज ही कीप लुकिंग और गो होम अब now देर इज द प्लॉट विच यू हैव टू क्रिएट कि भाई वो घर जाएगा याल बी कीप लुकिंग विदाउट मनी ठीक है तो ये कुछ प्लॉट है जैसे अगर मैंने कुछ एक इमेजनरी सिचुएशन दे दी तो इट मेक्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई इसके आगे और क्या होगा अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं एन अनलाइकली फ्रेंडशिप बिटवीन सिक्स इर्स ओल्ड सन ऑफ यूडिंग पेरेंट्स लीड्स टू एन अनएक्सपेक्टेड एंड टेंड रियूनियन ऑफ प्लेडेट इन दिस द बिगनिंग ऑफ रिक रिकन्सोलेशन और इट इज एडेड अ फ्यूल टू द फायर ना यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ टॉपिक वेन यू आर हैविंग यू आर अनलाइकली अनलाइकली फ्रेंडशिप बिटवीन सिक्स सिक्स ईयरस ओल्ड सन आपका छः साल का बच्चा है एंड यू आर हैविंग यू बीन सपरेटेड पेरेंट्स एंड यूर लुकिंग फॉर योर डेट्स जब आप दोबारा से डेट करने लगते हैं या दोबारा से आप योर री यूनियन यू हैव अूनियन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली देन वॉट डिड दिस फ्रेंडशिप और यू योर चाइल्ड योर सिक्स इज ओल चाइल्ड इज एडेड टू एज अ फ्यूल टू अ फायर क्या वो किस तरीके से एक्ट आप करेगा आपके रिलेशनशिप्स में ठीक है two childhood friends stop talking about uh, uh, after a high school feud until they find themselves on the same international flight 5 years later the conversation unfold over the next 12 hours and do they keep in touch or they will be separated Way forever this is very common topic which usually usually happens with the people with, with people that they met in uh, they are very good friends in high school or their uh, secondary schools but when they uh, have their hi higher education they have to depart each other suddenly after a few years they meet on some flight or some trap by tra while they are traveling and they talk around long time बहुत देर तक बात करते हैं देन दे गेट सेपरेटेड और दे विल बी टुगेदर फॉर एवर ये आपको स्टोरी में आगे लिखना है ठीक है अगला टॉपिक है अ सेट ऑफ ट्वेल्व इल्ड इन आइडेंटिकल ट्वेंस हैव गॉटन अवे इन टू ट्विचिंग प्लेसेस इन क्लास सिंस वन इज गुड एंड एट मैथ एंड अदर इज गुड एट इंग्लिश द ट्विच अ लंच एंड come back to each other's desk to find their own strict and obedient mom in the substitute teacher. now here it is very common, ah, uh, uh, you can say very uh, common plot which is created that Seeta और Geeta वाली चीज हो गई है यहाँ पे कि भाई दो identical twins हैं, 12 साल की हैं, दोनों बहुत uh, एक दूसरे से मिलती हुई हैं, एक बहुत अच्छी है maths में और एक uh, other is uh, one is गुड एट मैथ एंड अदर इज गुड ऐट इंग्लिश तो ये दोनों ही किसी ना किसी चीज़ में अच्छी हैं अब इन लोगों को ये जो टीचर्स हैं दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि कौन भाई सही है कौन सी नहीं सही है कौन सी किस में अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है एंड द स्टोरी डिवेलप फॉर देर वेन अली अ मुस्लिम मैन फेल इन लव विद रेचअल अ जूच कर्ल बोथ ऑफ देयर फैमिलीज आर आर अपेल्ड

पे खत्म होता है स्टोरी राइटिंग के ऊपर आज हम लोगों ने जो बहुत एक आसान चीज सीखी है दैट इट नीड्स योर राइटिंग योर रीराइटिंग एंड योर एडिटिंग सबसे पहली चीज इसमें आती है रीडिंग रीडिंग के बिना आप स्टोरी नहीं लिख सकते हैं बिना रीडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं स्टोरी राइटिंग एक ऐसा असेंशियल पार्ट है व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर योर कॉम्पिटिशन और फॉर जर्नल पर्पज स्टोरी राइटिंग आपकी इमेजिनेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करेगा टू राइट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव पेपर फॉर एनी काइंड ऑफ द प्रैक्टिस ठीक है तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है एंड वील जस्ट हैव अ क्विक लुक एट व्हाट ऑल अन अकेडमी प्रोवाइड्स यू लाइव क्लासेज एज इट इज ऑलवेज है बट यू विल बी हैविंग ऑल द सेशंस कमिंग फ्रॉम योर एटीन इट विल बी ऑल सेशंस यू हैव Will be live because of your Diwali holidays. We are coming with a little bit of recorded ones, but it is just to give you a uh, more company with the educator like me that you cannot uh, lose the track of your good edu educators. Take care. structured courses. Structured courses means you all the slavers which is planned by your uh, top educators of. अन एकेडमी विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड अदर देन दैट दिस इज़ द बेसिक पॉइंट विच आई टेल एवरी 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 लर्नर इन माई सेशन दैट गोइंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन विल ऑलवेज हेल्प यू बिकॉज यू विल भी हैविंग टेस्ट एंड क्विजेज विद यू टेस्ट एंड क्विजेज आपके पास रहेंगे टेस्ट एंड क्विजेज आपको अपने आप को इवेल्युएट करने में एनालाइज करने में मदद करते हैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है इसको एकदम गांठ बांध के चलना है भाई कि मॉक टेस्ट और क्विज मिल रहे हैं डेली अगर मिल रहे हैं इसका कोई नुकसान नहीं है इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फायदा है एनालाइज करने के लिए अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए हैं कम से कम पाँच से छ सात टॉपिक्स मैंने आपके साथ अभी एंड में डिस्कस किए जिसको आपको प्लॉट मैंने क्रिएट करके दे दिया स्टोरी आपको लिखनी है स्टोरी बना के कमेंट सेक्शन में डालो बहुत बड़ी नहीं शॉर्ट स्टोरी डालो बी इट हाफ अ पेज और यू कैन से एनी एनी काइंड ऑफ लेंथ इट इट कैन हैव बट योर डेडिकेशन विल बी देयर इट विल बी शोन इन योर टॉपिक अनलिमिटेड एक्सेस इट्स टोटली व्हेन यू आर हैविंग वन काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन वन बी इट फॉर वन मंथ और बी इट फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स यू विल बी हैविंग ऑल द एक्सेस टू द लाइव क्लासेस एंड योर रिकॉर्डेड कोर्सेस in the way you are having your subscription okay comfortable zone that means you are having this kind of session which we are giving you right now that is recorded one other than that you will be having all the live classes which are taken by the educators if you are having one subscription with you okay आप बात करते हैं भाई फॉलो कहाँ करना है अन अकेडमी पे मेरे नाम से मुझे फॉलो कर लो केश की तिवारी के नाम से मैं मिल जाऊँगी ठीक उसके अलावा आप फॉलो कर सकते हो मुझे यूट्यूब पे जहाँ भी आप मुझे देख रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे डिस्क्रिप्शन में आर यू विल बी हैविंग ऑल द काइंड ऑफ डिटेल अबाउट माई माई चैनल एंड माई प्ले लिस्ट विल बी अवेलेबल फॉर यू टू वॉच यूर मोस्ट वेलकम टू वॉच ऑल द वीडियोज़ अदर than दैट यू कैन ask एनी questions रिलेटेड टू योर ऑन अकेडमी योर सब्सक्रिप्शन एंड योर टॉपिक विच योर यू want टू वॉन्ट मी टू टेक अप ठीक है उसके अलावा आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट एक दरख्वास्त है कि एक कोड uh, को की अहमियत आपको जाननी बहुत ज़रूरी है इस कोड की अहमियत आप क्या जानें रमेश बाबू तो ये कोड की अहमियत ये है कि आपको दस परसेंट का डिस्काउंट इंस्टेंट मिलने वाला है शाहरुख खान ही देगा हम देंगे अन अकेडमी देगा सो डोंट गो फॉर सलमान शाहरुख खान और सलमान खान गो फॉर अन अकेडमी एंड बी योर ओन हीरो ठीक है चलो अभी आई जस्ट से गुड बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड वील मीट इन अनदर सेशन